करंट प्राइजेक्शन को देखते हुए हम यहाँ पे स्कैल्प करेंगे। कर चुका हूँ मैं यहाँ पे एंट्री, 5000 समथिंग प्रॉफिट रनिंग, पीडीएल को फिर से टेस्ट कर रहा है 10,000। ओके निकल गया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्कैल्पिंग सीरीज की डे नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज का दिन है वेडनेसडे, 3 अप्रैल, 9:15 हो चुका है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मार्केट भी हो चुका है ओपन। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, जस्ट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस की, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे के लो यानी पीडीएल लेवल 400। अगर फिर से यहाँ पे मिले तो हम यहाँ से शॉर्ट करके चल सकता है। तो आइए मार्केट को एनालिसिस करें। उससे पहले मैं यहाँ पे प्रीवियस डे का जो चार्जेस है वो दिखाना चाहूंगा। प्रीवियस डे हमने 79,958 रुपीस बुक किया, ओवरऑल प्रॉफिट था। वहाँ पे चार्जेस गया देख सकते हो, यहाँ पे 5,478, ब्रोकरेज गया 1,260। कल की वीडियो आप देख सकते हो, हमारे 5 स्कैल्पिंग करने से पहले मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे, स्कैल्प किए थे ज्यादा क्वांटिटी के साथ, दैट्स व्हाई इतना चार्जेस है। तो कल के दिन जब मैं 5 ट्रेड्स लेते हैं वहाँ पे 3,700 समथिंग हमने प्रॉफिट बुक किया था, वहाँ पे अप्रॉक्स 1,000 चार्जेस जाएगा। तो ये है यस्टरडे का पीएनएल, आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे स्कैल्प किया जा सकता था, जस्ट पीडीएल लेवल को टेस्ट कर रहा था, मार्केट गैप डाउन ओपन है, ओपन होने के बाद पीडीएल को टेस्ट की एंड देन इज गोइंग लोअर। ओके तो चलिए जस्ट यहां पे मैं बैंक निफ्टी का भी दिखाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का अगर यहां पे एनालिसिस करें तो ये है इंपॉर्टेंट जोन, राइट, 600 और ये 470। इसके जब तक नीचे है, अगर यहाँ पे फिर से एक बार रिटेस्ट कर जाए ना, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी आप देख सकते हो कि दिस इज क्रूशियल लेवल। जब तक ये इसके ऊपर ना आ जाए यानी 500, तब तक यहाँ पे बड़ी मूव एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए 400, जब तक इसके ऊपर भी ना आ जाए तब तक हम यहाँ पे हार उछाल में शॉर्ट करके चल सकते हैं निफ्टी में। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट लेवल पीडीएल, राइट, ये सारे लेवल्स मार्क होना चाहिए बिफोर मार्केट ओपन, राइट, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। एंड नीचे की तरफ हम सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि हम करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए हम यहाँ पे स्कैल्प करेंगे। कर चुका हूँ मैं यहाँ पे एंट्री, दिस इज एग्रेसिव ट्रेड एंड लेट मी प्लेस एसएल। 5000 समथिंग प्रॉफिट रनिंग, चलो स्टॉप लॉस को मैं थोड़ा ट्रेल कर रहा हूँ, ट्रेड कंप्लीट होने दीजिए देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। 6000 समथिंग प्रॉफिट, अभी देखिए जो भी हाई बनाया था वहाँ पे रख दिया ये, पीडीएल को फिर से टेस्ट कर रहा है 10,000। ओके निकल गया। ये था बेहतरीन ट्रेड। आपको पता होगा मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, सबसे पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में कि ट्रेंड क्या है। अगर मान लो यहाँ पे ट्रेंड इज बेयरिश, 9 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैं क्या करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर मान लो इस तरह की मूव हो रहा है, ट्रेंड बेयरिश है, तो जैसे एक ग्रीन कैंडल बने, उछाल देखने को मिले और यहाँ पे है 9 पीरियड मूविंग एवरेज, इसको टेस्ट कर रहे हैं यानी इसको रिट्रेस या पुलबैक कहा जाता है, राइट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एंट्री लेता हूँ और स्टॉप लॉस होता है थोड़ा सा अबव या 9 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर। तो वही किया मैंने, देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा और डाउन आ चुके हैं। प्रॉफिट बुक क्यों कर लिया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं चार्ट के ऊपर, बिकॉज दिस वाज द लो, तो मार्केट रिट्रेस लेने के बाद इस कैंडल पे मैंने ली एंट्री और यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया। तो ये चीज़ें आपको जानना होगा, प्राइस बिहेवियर आपको सीखना होगा चार्ट के ऊपर कि किस तरह मार्केट मूव कर रहा है, राइट। तो अभी फिर से यहाँ पे जो बेस बना रहा है इनकी ब्रेक डाउन होने दीजिए या फिर यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने दीजिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी आपको देखना पड़ेगा प्रॉपर ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। ओके ये बढ़िया हमने स्कैल्प कर चुके हैं, हालांकि कल से हम क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, सो दैट्स वाई, लेकिन आप हमेशा एक लॉट से टेस्ट कर सकते हो, एक लॉट से सीख सकते हो, जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे तब अलग बात है, राइट। कभी भी अपना हार्ड एंड मनी रिस्क में मत लगाइए, पहले सीखिए, स्किल भी इम्प्रूव कीजिए। 10,900 रुपीस बुक फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड और यहाँ पे हमने कितना पॉइंट कैप्चर की देख सकते हो, 11 या 10 पॉइंट यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया निफ्टी में। ओके सो निफ्टी का चार्ट अभी देख सकते हो, ऑलरेडी इसने ब्रेकडाउन कर चुका है, देन रिट्रेस हो रहा है, तो थोड़ा सा रिट्रेस में यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी मैं प्रेफर करूँगा। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखें तो ये आप देख सकते हो अपर साइड से बढ़िया रिजेक्शंस मिल रहा है एंड 47,300 हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी ये जो सेंट्रल पिवट है 47,000 सपोर्ट इसको आज के दिन टेस्ट करता हुआ दिखे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें थोड़ा सा रिट्रेस यहाँ पे आ जाए तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री लूँगा।
यहाँ पे मैं बिल्कुल इंटैक्ट एसएल रखूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। चलो इसको मैं प्रॉफिट बुक करके निकलता हूँ। ओहो, मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया, मैं डर क्यों रहा था, मैं आपको बताऊंगा। जस्ट देख लेते हैं कि इस पोजीशन से हमने कितना निकाला। 2200, 4000 समथिंग प्रॉफिट हो रहा था। ये बैंक निफ्टी है, यहाँ पे जस्ट मैं छोटी सी रिट्रेस में मैंने ले लिया था एंट्री। मुझे डर लग रहा था कि इतनी फल के बाद थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस कर सकते हैं टिल हियर, दैट्स व्हाई मैं एग्जिट करके निकल गया। फिर से मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा कि अगर थोड़ा सा अपसाइड रिट्रेस आ जाए या फिर इस लेवल्स को तेजी से एक मोमेंटम कैंडल ब्रेक डाउन कर दे, तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। लेकिन वन मोर थिंग आपको ध्यान रखना, जब मोमेंटम कैंडल बड़ी कैंडल इस तरह बनते हैं और आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, रिट्रेस में नहीं, यहाँ पे एंट्री लेते हो, तो हमेशा हमको लेस क्वांटिटी के साथ एंट्री लेना चाहिए। मैं उस टाइम थोड़ा लेस क्वांटिटी के साथ एंट्री लेता हूँ। ओके, ब्रेक डाउन कर दिए हैं एंड आई एम गोइंग टू मेक पोजिशन अगेन। ये देखो क्या हो रहा है, देख लो, मुझे यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी कम करना चाहिए था। आज तो हम सुबह सुबह ट्रेड करके निकल जाएंगे। ओके ओके, इसको तो अभी देखिए, इस ट्रेड में मुझे जस्ट क्लोज करके निकलना है, क्योंकि फिर से रिट्रेस कर रहे हैं मार्केट, हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे अपसाइड मूव दे दे बैंक निफ्टी। चलो मैं निकल जाता हूँ, ऐसे भी लॉस हो गया। देखो तो देखो यहाँ पे बड़ी लॉसेस हो चुका है एंड 7000 समथिंग यहाँ पे इस ट्रेड में लॉस हो गया, जो कि एक मिस्टेक था। मैं पहले ही मुझे एग्जिट करना चाहिए थे, बट स्लिपेज की वजह से ज़्यादा लॉसेस हुआ ये। चलो अभी हम 3 ट्रेड्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड और लास्ट 2 ट्रेड हम प्रॉपर वे से इनिशिएट करेंगे, उनके लिए करते हैं वेट। मार्केट बेसिकली आप देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम में गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा ड्रॉप एंड देन यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश। हो सकता है बेस बना के एक लेवल को टेस्ट भी कर दे, तो हमको इंतजार करना चाहिए। 1 मिनट मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं। और गाइस, वन मोर अपडेट, आज से हम एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे ऑप्शन सेलिंग करेंगे, स्कैल्पिंग ही होगा। वहां पे होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज्यादा होंगे, एक्सपायरी के साथ हम ट्रेड करेंगे, सारे कुछ देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और गिव अवे क्वेश्चन किसी भी वीडियो के अंदर आ सकते हैं, और आप एडिट मत कीजिए, एडिट कमेंट काउंट नहीं किया जाएगा, वेरीफाई नहीं किया जाएगा। चलो मार्केट जस्ट अपसाइड निकलने की कोशिश कर रहा है, ये जो लेवल्स है इसके ऊपर सस्टेन करना होगा एंड देन यहाँ तक, इस लेवल तक टेस्ट कर सकते हैं। 400 जो लेवल्स है यहाँ तक टेस्ट कर सकते हैं। ओके, मैं तो एक बार यहाँ पे चांस लूँगा ट्रेंड के ऑपोजिट राइट पुट साइड में, बहुत ही स्ट्रिक्ट सेल के साथ। चलो मैं ले चुका हूँ एंट्री, अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टॉप लॉस प्लेस एंड क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, जस्ट बिलो एसएल के साथ बहुत ही इंटैक्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं चलते हैं, जस्ट एग्जिट करना होगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फिर से ड्रॉप दिखा सकते हैं। 14000, एक बार इन, ओके अबाउट टू हिट। सो मैंने यहाँ पे हो चुका हूँ एग्जिट स्टॉप लॉस के साथ। मैं इसलिए स्ट्रिक्ट था क्योंकि अगेंस्ट में मैंने ट्रेड लिया, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मोमेंटम के साथ नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट्स वाई मैं स्टॉप लॉस को बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिए थे, क्योंकि लूज नहीं करना, ज़्यादा लूज भी नहीं होंगे शायद। देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमने निकला, 6600 थे, 100 समथिंग प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकला राइट। अगर आप ऑप्शन बायर हो और स्कैल्पिंग करते हो, निकलना बहुत ज़रूरी है, हम होल्ड नहीं कर सकते। जो सेलिंग सीरीज आएगा, आज होगा पहला दिन, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मैं होल्ड भी करूँगा थोड़ा बहुत राइट, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके का बेनिफिट हमको मिलते हैं और ऑप्शन बायर के अगेंस्ट थीटा डीके काम करते हैं, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। ओहो देखिए, ऊपर में दिखाया एंड देन फिर फॉल हो गया मार्केट। मैं भी ले चुका हूँ यहाँ पे एंट्री, दिस इज द लास्ट ट्रेड एंड लेट मी प्लेस एसएल हियर जस्ट बिलो, जहाँ पे इसने टेस्ट किया वही हमारा एसएल है। यहाँ पे एसएल को भी यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसका जो गैप है गैप थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि कभी भी प्राइस जंप ना कर जाए। मैं आपको जस्ट रीज़न बताऊँगा, कंप्लीट होने दीजिए। चलो मैं यहाँ पे जस्ट एग्जिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को कर चुका हूँ एग्जिट एंड 330 जो क्वांटिटी है इनको मैं अभी प्रॉपर एसएल के साथ करूँगा ट्रेल। ओके,
मुझे उतना क्वांटिटी को ट्रेंड के अगेंस्ट होल्ड करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो दैट्स वाई मैं जस्ट यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। अगर एसएल भी हिट होते तो बड़ा लॉसेस नहीं होने वाला। यहाँ पे स्लॉपिंग आप देख सकते हो, हायर स्विंग लो बना के चल रहा है। अगर इस लेवल की ब्रेकआउट हो जाते हैं तो बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है टिल 47,500। चलो गाइस, मार्केट नहीं सस्टेन कर पा रहा है, यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है फिर से। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू एग्जिट एंड चलो कुछ लॉस लेके हमने निकल गए। और फ्रॉम टुडे हम ऑप्शन सेलिंग को भी रिकॉर्ड करेंगे ओके, इसको रैप अप करने के बाद। सो दैट्स वाई मैं आज थोड़ा सुबह सुबह स्कैल्प कर चुका हूँ एंड 9:48 बजे हैं। यस, थोड़ा जल्दबाजी था, थोड़ा एग्रेसिव एंट्री था। लास्ट ट्रेड का एंट्री मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या सोच के पोजिशंस लिया। देखिए गाइस, कभी कभी हम रिस्क एंड रिवार्ड को भी ट्रेड करते हैं, यानी अगर रिस्क एंड रिवार्ड 1:3 है और आपका विनिंग रेट अगर 40% भी है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। इसलिए मैं लॉस के साथ बहुत ही इंटैक्ट होता हूँ। अगर पोजीशन से लॉस हो रहा है तो सिंपल उनको मैं स्क्वायर अप करके निकल जाता हूँ, होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होते हैं लूजिंग ट्रेड को। सो यहाँ पे ओवरऑल 5 ट्रेड्स में 5341 हम बुक कर पाया। पहला दो ट्रेड्स में 13,000 हम बना चुके थे, देन 2-3 ट्रेड्स में हमको ज़्यादा कुछ नहीं मिला 5,300। यहाँ पे भी 1,000 चार्जेस में चला जाएगा तो 3,000 समथिंग प्रॉफिट आज के दिन हमको मिलेगा। वेरीफाइड पीएनएल आपको डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट पे मिल जाएगा। मार्केट कुछ दिन के लिए इस तरह की साइडवेज रह सकते, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं है। कुछ दिन बाद मार्केट में न्यूज़ है तो उसके बाद ही मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, पावर स्पीच वगैरह आने वाला है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आप देखो मार्केट जस्ट बेस बनाया एंड यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में बिल्कुल जहाँ पे ओपन हुआ था वहाँ तक उसने आ गए, थोड़ा सा रेट्रेस आया तो मैंने लिए थे एंट्री। जैसे एक कैंडल ड्रॉप हुआ तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था ताकि थोड़ा सा उछाल अगर मिले तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकता हूँ। वैसे भी 3000 समथिंग प्रॉफिट हम बुक कर ही लिए थे, बट कुछ क्वांटिटी को मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ होल्ड कर रहा था कि मार्केट यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ये जो लो है अपसाइड जा सकते हैं। अभी तक एसएल भी नहीं हुआ लेकिन कंसोलिडेट कर रहे हैं और कंसोलिडेशन में मैं होल्ड नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसे बायर हम अगर इस सिनेरियो में होल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली थीटा डी के हमारे अगेंस्ट में काम करेगा, प्रीमियम में फॉल देखने को मिलेगा विदाउट एनी रीजन। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिए थे पोजीशन से। सो सुबह सुबह 5 ट्रेड्स हो चुका है डन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी क्वेरीज है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए, वहाँ पे हम एंजल वन की ट्रेडिंग टर्मिनल पे कुछ अमाउंट 3 लाख समथिंग अमाउंट के साथ हम ऑप्शन स्कैल्प करेंगे। आप 30-50,000 से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, कैसे करना है सारी चीजें होंगी एक्सप्लेन, तो वीडियो को जरूर देखिए ओके। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।